गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और इस बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसे डाउनलोड किया लेकिन कुछ लोगों को डाउनलोड करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे मुझे बता रहे थे वो लोग कि हम ना तो किसी का स्टेटस देख पा रहे हैं और ना ही अपना स्टेटस लगा पा रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ट्रांसलेशन में दिक्कत हो रही थी, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि बैकअप में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मंडे को मैं एक वीडियो डालूंगा, साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो नया है जिसमें मैंने सारी दिक्कत दूर करवा दी है वो आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो नया लिंक है वो तैयार हो चुका है और इसका नाम अब जीबी व्हाट्सएप से बदलकर FM WhatsApp हो चुका है। तो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अपना GB WhatsApp जो है उसे डिलीट मारना है। उसके बाद मैं ये बताऊंगा, इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको कौन सी वेबसाइट से जाके डाउनलोड करना है। तो वीडियो का लास्ट देखना ना भूलें, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में ना ढूंढे, ठीक है। GB WhatsApp के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी अगर वो आपको देखना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो देख सकते हैं, ठीक है। और GB WhatsApp में जितने भी फीचर मैंने बताए थे वो मैं आपको इसमें दोबारा से बता दूंगा। दोस्तों, इसमें स्टेटस की दिक्कत दूर हो चुकी है, ट्रांसलेशन की दिक्कत दूर हो चुकी है और भी इसमें कुछ नए फीचर आपको देखने को मिलेंगे जो GB WhatsApp में नहीं थे। तो चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूं सिंपली कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टेटस की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। चैट के बगल में आपको स्टेटस दिख रहा होगा, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और आप देख सकते हैं कि मैं दूसरों का जो स्टेटस है वो देख पा रहा हूं और यहां पर मैंने अपना भी लगा रखा है। तो आप भी अपना स्टेटस लगा सकते हैं और दूसरों का भी देख सकते हैं। तो आपकी जो पहली दिक्कत थी वो दूर हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं बैकअप की दिक्कत की। आप लोग मुझे बता रहे थे कि इसका चैट बैकअप नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं बैकअप भी आपको करके दिखाता हूं। तो सिंपली 3 डॉट पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद यहां पर चैट में गया, चैट में जाने के बाद चैट बैकअप पे गया, चैट बैकअप में जाने के बाद जैसे ही मैंने बैकअप पे क्लिक किया ये देखिए बैकअप होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसे बैकअप करने से पहले आप ये वाला फंक्शन जरूर ऑन कर लें जहां पर लिखा है बैकअप ओवर, ठीक है। इसको ये वाले ऑप्शन पे सेट कर लें, वाईफाई और सेलुलर, ठीक है। इसको सेट कर लेने के बाद आप नेट कनेक्शन और वाईफाई दोनों से ही इसका यूज बैकअप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं ट्रांसलेशन की। तो मैंने पहले से बहुत कुछ वर्ड यहां पर लिख रखे हैं आप लोगों के लिए जो आप कैसे ट्रांसलेशन करोगे। तो एक बहुत बड़ा मैंने एक इंग्लिश का वो ले रखा है उदाहरण, उसको मैं चलिए हिंदी में कन्वर्ट करता हूं। ये देख लीजिए मैं हिंदी में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और ये देख लीजिए, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए किसी और लैंग्वेज में आप करके देख लेते हैं कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मैं अरेबिक में करके देख लेता हूँ और ये ट्रांसलेशन देख लीजिए फटाफट से अब काम कर रहा है, जो ट्रांसलेशन पहले काम नहीं कर रहा था अब ये काम कर रहा है। चलिए फ्रेंच में भी देख लेते हैं इसे ट्रांसलेट करके और ये देख लीजिए फ्रेंच में भी हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन की दिक्कत थी वो भी दूर हो गई, स्टेटस की दिक्कत भी दूर हो गई, बैकअप की दिक्कत भी दूर हो गई। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं इसमें नया फंक्शन क्या है। जैसे आप स्टेटस पे क्लिक करोगे, मान के चलिए आपको किसी की स्टेटस में फोटो पसंद आ गई या वीडियो पसंद आ गई, तो उसे आप डायरेक्ट कैसे अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो। जैसे मान के चलिए ये निखिल नाम के बंदे हैं, इन पे मैंने टैप किया और इनका स्टेटस ये जो फोटो लगा रखा है ये मुझे पसंद आ गया। तो नीचे यहाँ पर आप एक डाउनलोड कर देख सकते हैं, इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करेंगे तो ये आपके गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। ये देख सकते हैं लिखा हुआ रहा है सेव टू गैलरी। तो दोस्तों इसमें ये नया फंक्शन भी आपको देखने को मिल गया है। चलिए बात कर लेते हैं, कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे कि जो होम स्क्रीन पे इसका आइकन है ना कुछ इस तरीके का, इसके लोगो को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होता है। तो सिंपली इसे ओपन कर लीजिएगा, उसके आइकन को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको करना है 3 डॉट पे क्लिक करना। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको फॉक्स मोड में जाना, फॉक्स मोड में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक यूनिवर्सल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मोड्स में जाइए, मोड्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको लॉन्चर आइकन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेरों सारे कलर के व्हाट्सएप बने हुए दिखेंगे, तो जो सा भी कलर आपको लगाना हो यहाँ से आप लगा सकते हैं और भी ढेरों सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देख लीजिए आईफोन स्टाइल भी देखने को मिल रहा है और भी कुछ तरीके के ढेरों सारे तरीके के लोगो देखने को मिल रहा है, तो जो भी लोगो लगाना हो वो लोगो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं चलिए इसमें और भी ढेरों सारी आपको चीज बता देता हूँ जो मैंने GB WhatsApp के अंदर मिस कर दी थी, आपको नहीं बताई थी। इमोजीज वेरियंट, आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के इमोजीज लगा सकते हैं व्हाट्सएप में। आप चाहे तो iOS का लगा सकते हैं या Android N का लगा सकते हैं, ट्विटर का लगा सकते हैं या फेसबुक का लगा सकते हैं। तो जो भी इमोजीज आपको जिसका भी अच्छा लगता हो उसका इमोजीज भी आप अपने व्हाट्सएप पर यूज कर सकते हो। उसके अलावा भी यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन अवेलेबल है, डिजेबल हेड अप नोटिफिकेशन। अगर आप नहीं चाहते कि किसी का नोटिफिकेशन आपको बार बार व्हाट्सएप पर आए तो यहाँ पर आप अपने नोटिफिकेशन को डिजेबल कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे से आप लोगों ने एक बात और पूछी थी GB WhatsApp के अंदर कि ऑलवेज ऑनलाइन का फंक्शन कैसे ऑन करते हैं,
है कि हम जिसको भी दिखे वो हमेशा हमें ऑनलाइन ही नजर आए। तो यहाँ पर ये देख लीजिए एनेबल ऑनलाइन, ये भी ऑप्शन आपको यूनिवर्सल में ही मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ये नीचे एक बात कह रहा है कि अगर आपको ऑलवेज ऑनलाइन रहना है तो इसको ऑन कर लेने के बाद आपको इसे रिसेंट से क्लियर, यानी FM व्हाट्सएप को रिसेंट से क्लियर नहीं करना है, तब जब आपको देखेंगे तो आप ऑलवेज ऑनलाइन दिखोगे, ठीक है। उसके अलावा भी इसमें ढेरों सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको यहां पर, ये देख लीजिए यहां पर व्हाट्सएप लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने पूछा था कि यहां पर जो व्हाट्सएप लिखा हुआ है यहां पर हम अपना नाम कैसे लिख सकते हैं जो भी हमने व्हाट्सएप बनाते हुए लिखा था, तो सिंपली 3 डॉट पे आपको जाना है, वापस से फॉक्स मोड पे जाना है। फॉक्स मोड पे जाने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा होम स्क्रीन का, तो होम स्क्रीन पे टैप कर लीजिएगा, उसके बाद मोड में जाइएगा। मोड में जाने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन दिख चुका होगा सेट माई नेम, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो बैक चले जाएगा, बैक जैसे ही जाएंगे अब मैं दिखा देता हूं आपको, तो यहां पर देख लीजिए व्हाट्सएप की जगह जो भी नाम आपने व्हाट्सएप में डाला होगा बनाते टाइम वो नाम यहां पर आ जाएगा। देख लीजिए व्हाट्सएप की जगह यहां पर निखिल लिखा हुआ आ चुका है। उसके अलावा भी मैं इसमें कुछ फंक्शन बता देता हूं दोबारा से जो मैंने जीबी व्हाट्सएप में बताया था, तो सिंपली फॉक्स मोड पे क्लिक करना है आपको और प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद यहां पर अगर आप अपना लास्ट सीन फ्रिज करना चाहते हैं, फ्रिज करने से मतलब है कि जो टाइम यहां पर 5:21 मेरी घड़ी में हो रहा है वही टाइम हमेशा हर किसी को दिखाई देगा, चाहे 10 दिन बाद वो देखे या 2 घंटे बाद देखे या 10 साल बाद देखे, यही टाइम हमेशा उसे दिखाई देगा जब तक मैं इस फंक्शन को ऑफ नहीं करता। तो जैसे ही मैं इसे ऑन कर लूंगा तो 5:21 पे मेरा लास्ट सीन हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना टाइपिंग हाइड करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर लीजिए, हाइड ब्लू ऑन करना चाहते हैं तो इसे भी कर लीजिए, आपका जो आप किसी का मैसेज पढ़ लोगे तो उसका ब्लू टिक उसको नहीं दिखाई देगा तो इसे ऑन कर लीजिएगा। उसके अलावा जीबी व्हाट्सएप में एक फंक्शन मिस था, इसमें आपको फंक्शन मिल जाएगा हाइड व्यू स्टेटस। अगर दोस्तों इस फंक्शन को आप ऑन कर लेते हैं, अगर आप किसी का स्टेटस देखते हैं तो उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है या नहीं देखा इस फंक्शन को ऑन करने के बाद, ठीक है। तो चलिए और भी मैं कुछ इसमें बता देता हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम इसमें थीम नहीं चेंज कर पा रहे, तो आपको करना है क्या है, वापस से जब मेन्यू में हो तो 3 डॉट पे क्लिक करना है, फॉक्स मोड में जाना है। फॉक्स मोड में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यो थीम्स का, तो यो थीम्स में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड यो थीम्स, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये सर्वर से सारे थीम को लोड करने लगता है, तो देख लीजिए यहाँ पर ढेरों सारे थीम देखने को आपको मिल रहे हैं, तो जो भी थीम आपको अच्छी लगे उसके ऊपर आप क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं मान के चलिए मुझे ये थीम अच्छी लग रही है तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद मुझे कह रहा है अप्लाई करने के लिए, तो मैं यस कर देता हूँ। यस जैसे ही करूंगा तो जो ये थीम थी ये डाउनलोड हो चुकी है और ऑटोमेटिकली ये लग चुकी है, देख लीजिए लगा दी। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पर हम मिनियंस कैसे लगा सकते हैं, तो चलिए मैं बता देता हूँ मिनियंस कैसे लगाना। तो बैक निकल जाइए, वापस से 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, फॉक्स मोड में जाइए, फॉक्स मोड में जाने के बाद आपको यूनिवर्सल में जाना है, यूनिवर्सल में जाने के बाद आपको लुक एंड फील में जाना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा टिक स्टाइल का, तो जैसे टिक स्टाइल पे क्लिक करोगे तो ये आप देख रहे हैं ये आपके पास टिक स्टाइल होता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आप ढेरों प्रकार के टिक स्टाइल देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मिनियंस भी हैं और भी तरीके के ढेरों स्टाइल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं मिनियंस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा मिनियंस लग चुका होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पर ये मिनियंस लग चुका है, देख लीजिए ये देखने में कितने अच्छे लगते हैं। उसके अलावा भी दोस्तों मैं इसमें आपको एक फीचर बता देता हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये जो फॉन्ट है नॉर्मल फॉन्ट है इसको कैसे आप चेंज कर सकते हो ताकि आपका व्हाट्सएप खूबसूरत दिखे, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, फॉक्स मोड में जाना है, उसके बाद वापस से यूनिवर्सल में जाना है, लुक एंड फील में जाना है, और लुक एंड फील में जाने के बाद फॉन्ट स्टाइल में जाना, और यहाँ पर आपको ढेरों सारे फॉन्ट स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। तो मान के चलिए मैं ये वाला फॉन्ट स्टाइल लगाना चाहूँ तो, और उसके बाद चेक कर लेते कि हमारा फॉन्ट बदला कि नहीं बदला, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नॉर्मल फॉन्ट था वो कुछ इस तरीके से हो गया जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये ब्लैक वाली पट्टी दिखे तो इससे घबराइएगा मत, ये आप ही की सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है आपको। उसके अलावा चलिए और भी फंक्शन इसमें देख लेते हैं जो मैंने जीबी व्हाट्सएप में शायद आपको ना बताई। 3 डॉट पर क्लिक करना है आपको, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बढ़िया से फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि जीबी व्हाट्सएप के अंदर हम कन्वर्सेशन को लॉक कैसे कर सकते हैं, किसी के पर्सनल चैट को हम लॉक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए मैं ये इनसे बातें कर रहा हूं और इनके चैट को मैं लॉक करके रखना चाहता हूं, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, 3 डॉट पे जाना है, उसके बाद लॉक कॉन्वर्सेशन के ऊपर क्लिक कर देना, उसके बाद जो भी पैटर्न आपको ड्रॉ करना हो अच्छा लगता हो वो ड्रॉ करके इनके चैट को आप लॉक कर सकते हैं, फिर इनके चैट को जो भी खोल के पढ़ना चाहेगा वो नहीं पढ़ पाएगा, तो इस तरीके से आप लॉक भी कर सकते हो। तो चलिए अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नई जीबी व्हाट्सएप की जगह एप्लीकेशन आई है FM व्हाट्सएप, इसे आपको कहां से और कैसे डाउनलोड करना है। तो सिंपली आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, यहां पर मैं UC ब्राउजर का यूज कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है
FM WhatsApp Modes MODS, ठीक है, ये गौर से देख लीजिए, आपको यही सर्च करना है। ये इसका लिंक मैंने कहीं भी नहीं डाला है, डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला है, और प्लीज अपना नंबर मेरे कॉन्टेक्ट में मत डालिएगा। उसके बाद चलिए इसे सर्च कर लेते हैं, और ये देख लीजिए सर्च हो रहा है। उसके बाद सबसे ऊपर वाला आपको रिजल्ट देखना है, ये देख लीजिए जहां पर ये लिखा FM WhatsApp 6.55, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और ये देख लीजिए लोड हो गया। उसके बाद नीचे आपको थोड़ा सा नीचे जाना, और यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप स्टोरीज को, स्टेटस को सेव कर सकते हो, यहाँ पर आप फाइलों को जिप RAPK के सब कुछ फाइलों को शेयर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। आप चैट को पिन कर सकते हो, इसमें पिन का भी ऑप्शन आपको मिल गया है, ठीक है। उसके बाद इसे डाउनलोड कैसे करना है मैं बता देता हूँ। नीचे यहाँ पर आप थोड़ा सा जाएंगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा FM WhatsApp डाउनलोड के दो लिंक दिए गए, तो आपको दूसरे वाले लिंक को क्लिक करना है, जहां पर लिखा हुआ डाउनलोड नाउ लिंक टू, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगी। देख लीजिए हमें ये एक वेबसाइट से कनेक्ट कर रही है, और यहाँ पर देख लीजिए ये हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल चुका है। ये नीले रंग का जो डाउनलोड का ऑप्शन है ना, इसको ही आपको क्लिक करना है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, और ये हमें 57 MB की हमें ये फाइल कह रहा है, तो 57 MB की फाइल आपको डाउनलोड करनी है। और यहाँ पर ये कह रहा है गूगल ड्राइव कैंट स्कैन दिस फाइल फॉर वायरस, इसका मतलब ये नहीं कि ये वायरस है, ये कह रहा है कि इसने इसमें वायरस है या नहीं है, इसको स्कैन नहीं किया है। अगर आपको स्कैन करना हो तो आप स्कैन कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि इसके अंदर वायरस है क्या, नहीं जी इसके अंदर वायरस नहीं है। उसके बाद डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है, और ये डाउनलोड होना आपके फाइल में स्टार्ट हो जाएगी। देख लीजिए डाउनलोड का बटन आ चुका है, और डाउनलोड पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये हमारे में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझे कह रहा है कि आप इसे दोबारा डाउनलोड करना चाहेंगे, क्योंकि मैं इसे पहले ही से डाउनलोड कर चुका हूं, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। फिलहाल आपको डाउनलोड करना हो तो आप जरूर से इसे डाउनलोड करिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, इसके अंदर जितनी भी मैंने बातें GB WhatsApp के अंदर बताई थी वो सभी इसके अंदर सॉल्व कर दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अब पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। Yeah.